Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Expert Truth Always Exposes Darkness. So कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health, correct? तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी जिंदगी में अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स मिरेकल्स अवेयरनेस किस तरह से आने वाला है, किस रूप में आने वाला है, कैसे होगा ये परिवर्तन. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. टाइमलेस है, कलेक्टिव है, फॉर ऑल ज़ोडियक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी जिंदगी में अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स मिरेकल्स किस तरह से आने वाला है. अप्रत्याशित आशीर्वाद क्या होने वाला है प्लीज बताएं यूनिवर्स. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज गाइड करें. सो वी डू हैव द वाइज वुमन ऑफ वंडरलैंड. ग्रेट. यहाँ पे है हमारे पास द कॉस्मोस. ग्रेट. वी डू हैव द सेक्रेड यूनियन. गुड. यहाँ पे है हमारे पास द फिनिक्स. ग्रेट. द हाई लॉर्ड ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड सर्विस. हमारे पास है स्पाइरल डांसर. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है हाई लेडी ऑफ लव एंड कंपैशन. सो कैन यू सी दिस कार्ड्स? यस, व्हाई नॉट. अभी हम यहाँ से देखते हैं और आपको बता देते हैं इंपॉर्टेंट नंबर्स में से है 21st, 41, 27, 29, 2, 5 and 1. We do have Magician, Gemini. We do have Hierophant, Taurus. We do have High Priestess, Pisces. Leo, Taurus, Aquarius and Scorpio as the World card. So let's see. यहाँ से हम देख लेते हैं. Universe पर guides please guide करें कि मेरे जो viewers हैं उनकी जिंदगी में अप्रत्याशित आशीर्वाद मिरेकल्स क्या आने वाला है. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें. अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स मिरेकल्स अबंडेंस. व्हाट इज अबंडेंस ऑल अबाउट? व्हाट इज द मिरेकल ऑल अबाउट? ओके, सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है द डेथ कार्ड. ठीक है. वी डू हैव द फोर ऑफ पेंटिकल्स. हमारे पास है यहाँ पे सिक्स ऑफ पेंटिकल्स. हमारे पास है द हर्मिट. वी डू हैव द थ्री ऑफ कप्स. हमारे पास है डेविल. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स. एक्सेलेंट कार्ड. ओके. एरीज एंड स्कॉर्पियो, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, कैंसर पिसेस स्कॉर्पियो कैप्रिकॉर्न, मकर राशि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है. यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नक्षत्र में से और मुझे जो दिख रहा है वो है धनिष्ठा नक्षत्र इम्पॉर्टेंट हो सकता है. एंड वी डू हैव एज अ मूला नक्षत्र विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ लोगों के लिए यहाँ पे पुनर्वसु पुष्य नक्षत्र काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है. यहाँ पे अश्लेषा नक्षत्र भी इम्पॉर्टेंट है. अच्छा, सो बेसिकली जो मुझे यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल नज़र में आ रहा है कि रिलेशनशिप में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होंगे. एक दूसरे के साथ रिश्ता जो काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है. हमारे पृथ्वी में रिलेशनशिप से ही सब कुछ बनता है, चाहे वो पार्टनरशिप बिजनेस से हो, चाहे वो एक दूसरे के साथ हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो, माता पिता का रिलेशनशिप, माता और बच्चे का रिलेशनशिप. यहाँ पे एक शिफ्ट हो रहा है एक लार्जर डायमेंशन तक. ये जो रिलेशनशिप है वो जा रहा है. मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा जैसे बोला जाता है शिफ्ट इन पैराडाइम. सो आई कैन सी एब्सोल्युटली चेंजेस. ओके, सो बेसिकली मुझे यहाँ पे दिख रहा है जो रिलेशनशिप आपको मिल रहा था जनरली उस रिलेशनशिप में आपकी जो सोल, आपकी जो आत्मा, ठीक है, आपके जो फिजिकल पेन आप बोल सकते हैं, स्पिरिचुअल
यू कैन से लाइक योर सोल वॉज एक्चुअली देर वॉज अ होल इन योर सोल, देर वॉज सो मच पेन एंड डिजास्टर इन योर लाइफ. आपके लाइफ में सिर्फ सिर्फ तकलीफें थी, किसी को लेकर हो, जॉब लॉस को लेकर हो, फाइनेंशियल लॉस को लेकर हो, स्पेशली रिलेशनशिप को लेकर हो, काफ़ी ज़्यादा आपकी आत्मा जो है वो है ना कहीं पे इतना दर्द में था, वो चीख रहा था, वो चिल्ला रहे थे, लेकिन नो वन वॉज पेइंग एनी अटेंशन. सो यू हैड टू बिकम इंडिपेंडेंट. सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, यहाँ पे आपकी इंडिपेंडेंस का जो है सिलसिला चालू हो रहा है. सो यहाँ पे मुझे इस तरह से भी महसूस हो रहा है दैट यू आर नाउ गोइंग टू थिंक फ्रॉम अ ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू. आप वही सीमित जो है नज़रिए से सोच नहीं रहे हैं, आप काफ़ी बड़े मतलब ऑल इन ऑल आप सोच रहे हैं. यू आर थिंकिंग फ्रॉम द सिनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है. आप यू आर थिंकिंग फ्रॉम द कॉम्बिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, कि आप पहले ऐसे सोचते थे ना मैं अकेला ही मैं कर लूँगा, मैं अकेला ही संभाल लूँगा, मैं अकेला ही संभाल लूँगी. लेकिन आप ऐसा सोचेंगे नहीं अकेला क्यों, हम लोग सब मिलके तो संभाल सकते ही है ना, तो चीज़ और भी अच्छा होगा. सो इट्स अ ब्लेंड ऑफ ऑल द थिंग्स. जितने भी मॉकटेल्स आप देखते हैं, जितना भी कॉकटेल्स आप देखते हैं, जितना भी फ्रूट जूसेस का मिक्सचर आप देखते हैं, अल्कोहलिक ड्रिंक्स का मिक्सचर आप देखते हैं, मैं एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आए, जितने आप एक एक इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करते हैं उतना ही उसका स्वाद बढ़ेगा, बट परफेक्ट मात्रा में वो होने चाहिए. जैसे खिचड़ी में ज़्यादा आप दाल दे दो, ज़्यादा चावल दे दो, ठीक है, मसाला ज़्यादा हो गया, ठीक है, वेजिटेबल्स काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो वो एक बिल्कुल पूरी तरह से वो चीज़ जो है ना खाने लायक बिल्कुल नहीं होता है. फिर वो ज़्यादा घी डाल दिया, ज़्यादा नमक डाल दिया, सो एवरीथिंग इज़ गेटिंग इनटू ऑर्डर. कितना कितना अमाउंट में वो जाएगा, कितना क्वांटिटी में वो जाएगा. सो यू विल बी थिंकिंग फ्रॉम द आउटपुट पॉइंट ऑफ व्यू कि ठीक है ये इसका रिजल्ट है. अगर इस रिजल्ट में मैं बहुत सारे लोगों को इंक्लूड कर लेती हूँ तो इससे और बेटर क्या हो सकता है, उनके उनके भी अच्छे हो जाएंगे और मेरा भी अच्छा हो जाएगा. सो यू विल थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू. मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि कुछ चीज़ों को शायद जब आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, जब आप रिलीज कर रहे हैं उस चीज़ों को, सो अनएक्सपेक्टेड तरीके से वो चीज़ जो है यूनिवर्स को जब आप हैंड ओवर दे रहे हैं, सो यूनिवर्स भी आपके तरफ उसको पूरी तरह से उसको सही करके रिटर्न कर रहे हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रहे थे और वो चीज़ हो नहीं रहा था. इन फ्यूचर भी मुझे दिख रहा है अनएक्सपेक्टेड तरीके से उसका प्रॉब्लम जो है, उसका समाधान जो है आपको मिलेगा. व्हाट यू विल बी गेटिंग लाइक विद एन अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स मिरेकल्स, जैसे आपका एक सुखी संपन्न जीवन, परिवार, अंडरस्टैंडिंग पीपल अराउंड यू जो आपको समझे, जो आपके लेवल में जाकर समझे, ठीक है. ऐसा पड़ोसी आपको मिला, फॉर एग्जाम्पल किसी किसी को मिलता है ऐसा जो आपके अंडरस्टैंडिंग के लेवल में आते ही नहीं है, जो अलग होते हैं बिल्कुल, तो फिर आपका उनके साथ बातचीत करना फिर बंद ही हो जाता है. सो गॉड इज़ गोइंग टू ब्लेस यू विद सच फैमिली, विद सच फ्रेंड्स, ठीक है, जहाँ पे आप बोलेंगे कि यस आई एम ब्लेस्ड. सो आई डू थिंक सो कि कुछ लोग यहाँ पे जब आप किसी चीज़ को डोनेट करेंगे, किसी चीज़ को आप दान करेंगे, तब आप कतई नहीं सोचेंगे कि इसके जो है मैं क्या रिटर्न में मुझे मिलेगा, और रिटर्न में जो मिलेगा दैट इज़ बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, ठीक है. लेकिन इस रूट पर जैसे बोला जाता है कि ऑल द लाइन्स इन दिस रूट आर बिजी, सो बेसिकली कुछ इतने रूट्स में कुछ आप बिजी रूट भी मिलेगा, कुछ ऐसे शैतान, कुछ ऐसे इविल एनर्जीज का इंटरफेरेंस वो भी आपको मिलेगा, बट यू विल बी एबल टू डील विथ इट, क्योंकि आपको पता चलेगा कि वो रूट क्या है, ठीक है. आप परसीव कर पाएंगे, आप समझ पाएंगे, यू विल अंडरस्टैंड दैट, और एनालाइजिंग पावर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गिफ्ट दैट यू विल रिसीव. जो एनालाइज कर सकते हैं, जो विश्लेषण कर सकते हैं, कहीं ना कहीं पर हमारी बुद्धि जो है कभी कभी इधर उधर भटक जाता है, मन भटक जाता है, हम गलत इंसान को सही मान लेते हैं और सही इंसान को गलत मान लेते हैं. सो आई डू थिंक सो दैट यू विल नेवर डू दैट इन द फ्यूचर. सो योर क्रिएटिविटी, योर आइडिया ऑफ इनोवेशन एवरी डे, लोग जैसे फॉर एग्जांपल
जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, वो हमारे लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए है। किसने बनाया, जो भी बनाए होंगे वो थोड़ी सोचे होंगे कि मैंने अपने लिए बनाया, नहीं, सब के लिए बनाया, फॉर द ह्यूमैनिटी, राइट, फॉर द ह्यूमन बीइंग्स वी हैव क्रिएटेड। सो लाइक दैट यू आर थिंकिंग, यू आर गोइंग टू थिंक ऑल्सो इन द फ्यूचर फ्रॉम अ ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू। कुछ लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा वीडियोज़ क्रिएट करेंगे, यू विल टीच मे बी फ्रॉम अ कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम यू कैन से दैट वर्ल्ड अपडेट्स, फ्रॉम हो सकता है कि ऐसा चैनल आप खोलें जहाँ पे वर्ल्ड अपडेट्स आप देना शुरू करें, जस्ट लाइक अ न्यूज़ चैनल विच गिव्स अपडेट्स। उस तरह से कुछ लोग मीडिया, ब्रॉडकास्टिंग, पब्लिशिंग सेक्टर में जाने वाले हैं, प्रिंट मीडिया, मैगजीन के जो भी, चाहे वो फैशन मैगजीन हो, चाहे वो कोई भी मैगजीन हो, चाहे ऑनलाइन पोर्टल हो, कहीं ना कहीं यू आर मेकिंग वेबसाइट्स और मेकिंग डेवलपिंग एप्स, उस तरह से दिख रहा है। आपके फाइनेंसेस भी एक स्ट्रांग पोजिशन में जा रहे हैं। मुझे दिख रहा है जब आपको रियलाइजेशन होगा उस चीज़ का, जब आप देखेंगे कि आपको इक्वालिटी नहीं मिल रहा है, तब आप कुछ समय के लिए विल विदड्रॉ योर सेल्फ, आप अपने आप को विदड्रॉ कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आपको उस दौरान उपलब्धि होगी कि देखो मेरे साथ इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि मैं ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुका था या ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई थी, थोड़ा सा मैं डिटैच रहूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है, तो मैं अपने लिए भी तो टाइम मैं दे पाऊँ। सो यहाँ पे आपकी टोटलिटी में चेंज हो रहा है, यहाँ पे यू आर चेंजिंग फ्रॉम द टोटल पॉइंट ऑफ व्यू। ये जो आपका परिवर्तन है, ठीक है, इसके बाद ना कोई आपको कुछ कर सकता है, ना आपके कोई आपको कोई हार्म कर सकता है, ना आपके कोई अगर गलत सोचे भी तो भी उसका जो रिजल्ट है वो आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज यू विल रीच टू अ नेक्स्ट लेवल और नेक्स्ट डायमेंशन। ठीक है, यहाँ पे आपकी पॉपुलैरिटी, लोग बोलेंगे, लोग अप्रिशिएट करेंगे कि दैट वट एवर यू हैव नो वन हैज़। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप काफ़ी अच्छे इंसान भी बन रहे हैं, योर ह्यूमैनिटी, योर सेंस ऑफ यू कैन से लाइक दैट ह्यूमर, यू विल मेक पीपल लव, ये भी मुझे दिखा रहा है, आप लोगों को हंसाएंगे। सम ऑफ यू आर गोइंग टू बिकम वेरी गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, सम ऑफ यू आर गोइंग टू बिकम वेरी गुड, यू कैन से दैट फाइनेंशियल, यू आर गोइंग टू डू वेल इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कुछ लोग यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यू आर गोइंग टू डील विद स्पिरिचुअल थिंग्स आफ्टर लाइफ, आप लिखेंगे बुक्स, इट्स लाइक दैट। सो लेट्स सी फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, क्यूब से हम देख लेते हैं। सो देखते हैं अनएक्सपेक्टेड मिरेकल्स। ठीक है, मुझे यहाँ पे आपको कहना ही था कि साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यूज अगर हम देखें, सो मे बी यू विल गेट इन्वॉल्व विद लॉट ऑफ साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स। ठीक है, या आप शिक्षा देंगे लोगों को, यू विल डेफिनेटली रीच द टॉप एंटरटेनर। मैंने आपको कहा था ना कि आप लोगों को हंसाते और देखो, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि वेरी नरिशिंग रिलेशनशिप, जहाँ पे जनरली वो हेल्दी रिलेशनशिप माना जाता है, हेल्दी, जहाँ पे फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ टॉक्सिक चीज है। ठीक है, जैसे सलाड्स खाना जितना अच्छा होता है, उतना अच्छा है फ्रेंच फ्राइज खाना? नहीं ना। सो फ्रेंच फ्राइज कैन बी टेम्पटिंग रिलेशनशिप, आप उस चीज़ से देखें, फ्रेंच फ्राइज कैन बी टेम्पटिंग रिलेशनशिप, बट सलाड्स कैन बी वेरी हेल्दी रिलेशनशिप, राइट। सो उसी तरह से आप ग्लो कर रहे हैं, आपके अंदर जो एक चाइल्डिश बिहेवियर है वो बाहर आते हुए दिखाई दे रहा है। ऑलवेज कीप द चाइल्ड ग्रोइंग, ओके, इनसाइड यू। एंड आई ऑल्सो डू फाइंड लाइक दैट कि आप ऐसे इंसान में तब्दील होने जा रहे हैं जहाँ पे आप मतलब लवेबल होंगे, पीपल विल लाइक यू मोस्ट, लाइक फॉर योर क्वालिटीज, फॉर योर बिहेवियर। एंड यहाँ पे मुझे इस तरह से भी दिख रहा है कुछ कनेक्शंस आ सकते हैं, बट यू विल फील लाइक दैट इट इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड कनेक्शन, मतलब ऐसा कनेक्शन जो आपने पहले कभी भी अनुभव नहीं किया, मे बी फॉर अ शॉर्ट टाइम वो लास्ट करे, ठीक है, बट होगा तो आपको ज़रूर ऐसा अनुभव। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it. And if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself.